पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली के साकेत नगर इलाके के दो अलग अलग मकानों में दबिश देकर महादेव बुक के दो पैनल चलाने वाले 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सटोरियों से 6 लैपटॉप, 31 मोबाइल, 4 वाईफाई ब्रॉडबैंड, 19 एटीएम व क्रेडिट कार्ड, चेकबुक सहित लाखों रुपए के लेन देन का हिसाब जब्त किया है। पुलिस ने टेक्निकल डिटेल और पुराने सटोरियों से मिले क्लू के आधार पर दिल्ली के साकेत नगर क्षेत्र में दबिश दी थी। पुलिस ने बताया कि एक पैनल को 11 और दूसरे को 5 सटोरिये संचालित कर रहे थे। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कुछ इस प्रकार से दी। दुर्ग पुलिस द्वारा दिल्ली साकेत में संचालित दो ब्रांचेस को नष्टाभूत किया गया है। एक ब्रांच से 10 व्यक्ति को, दूसरे ब्रांच से 6 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास 6 लैपटॉप और 31 मोबाइल जब्त किया गया है। 50 से ज़्यादा पासबुक्स मिले हैं, 7 से ज़्यादा डायरियाँ मिली हैं, जिसमें 50 करोड़ के लेन देन की बात सामने आई है। ये ब्रांच पिछले 8-10 महीने से दिल्ली में संचालित था। दुर्ग पुलिस की लगातार टावर तोड़ कार्रवाई के कारण सभी पैनल वाले सटोरिये जो हैं वो दुर्ग भिलाई छोड़ के देश के विभिन्न कोनों में पैनल चला रहे हैं। मैं दुर्ग भिलाई से करीब 150 से ज़्यादा लड़के इसमें भर्ती हैं। मैं उन अभिभावकों से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को वापस बुला लें, वरना उनके ऊपर जुआ एक्ट में क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो हो जाएगी और उनके करियर पे इसका काफ़ी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। जो पैनल चलाने वाले लोग हैं उनसे भी मैं अपील करता हूं कि इस काम को छोड़ के अपने लीगल काम में फंसें, अन्यथा दुर्ग पुलिस सभी जुआरियों के ऊपर, सभी पैनल चलानों के ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेगी। सर, लंबे समय से इस पर कार्रवाई की जा रही है, अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है? 7 ब्रांच को हमने बस्ट किया है, जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। और रिकवरी की अगर बात करें सर, तब तक कितने रकम की रिकवरी हो चुकी है इस ऐप से जुड़े हुए लोगों? इस ऐप से रुके हुए कम से कम जो है 50 से ज़्यादा लैपटॉप रिकवर हुए हैं, 200 से ज़्यादा मोबाइल्स रिकवर हुए हैं, जिसकी खुद की कीमत ही करीब 50 लाख से ऊपर होगी। करीब 1.5 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट जो है होल्ड कराया गया है, तो करीब 2.5 से 3 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है अभी तक जब्त की जा चुकी है। एनफोर्समेंट डायरेक्ट्रेट जो है वो महादेव ऐप के जो मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड इशूज़ हैं उसके लिए उनकी जाँच चल रही है। उन्होंने भी लुकआउट सर्कुलर जो फरगना दुबई में है उनके लिए निकालने की प्रक्रिया शुरू की है। उनके द्वारा दुर्ग पुलिस से पुराने FIR और चार्जशीट की कॉपी मांगी गई थी, जो उनको प्रदाई की गई। सर, कुछ ऐसे भी मामले आ रहे हैं कि जैसे ही ये छत्तीसगढ़ छोड़ के अलग अलग राज्यों में भी अपने नेटवर्क फैला रहे हैं, तो उसको लेकर के दुर्ग पुलिस कैसे है? दुर्ग पुलिस जो भी दुर्ग के अपने लड़के हैं जो यहाँ पे अपराध करके बाहर गए हैं, उन सबके ऊपर जुआ एक्ट में कार्रवाई कर रही है। हम लोगों को समझाइश दे सकते हैं, कानून में जो प्रावधान है उसके हिसाब से दुर्ग पुलिस जो है सख्ती से कार्रवाई कर रही है।